नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आई नजर डालते हैं झारखंड की एक अहम खबर पर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने राजकीय रेल पुलिस गया के द्वारा धनबाद के टीटीई को गलत गिरफ्तार करने का कड़ा विरोध जताया। यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने धनबाद टीटीई स्टाफ के साथ मंडल रेल प्रबंधक से मिलकर एक ज्ञापन दिया, साथ ही इस पर कार्यवाही की मांग की और साथ ही साथ आने वाले दिन में इस तरह की घटना ना दोहराई जाए इसकी भी मांग की गई। ईसीआरकेयू के मीडिया प्रभारी एनके खवासा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही ईसीआरकेयू के केंद्र संगठन सचिव नेताजी सुभाष ने तुरंत केंद्रीय अपार महामंत्री सह पीएनएम इंचार्ज मोहम्मद जियाउद्दीन को सूचना दी और उसके पश्चात ही मंडल रेलवे प्रबंधन को टीटीई के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर आवेदन सौंपा गया। आपको बता दें कि बिना टिकट के सफर करने वाली महिला से टीटीई ने जुर्माना किया और जीआरपी उस महिला को बहला फुसला कर टीटीई के नाम पर शिकायत करने वाली फिर जीआरपी ने ऑन ड्यूटी टीटीई को गया में उतर कर गिरफ्तार कर लिया। मंडल रेल प्रबंधक धनबाद से मिलने में ईसीआरकेयू और टीटीई के प्रतिनिधि लोग शामिल थे, जिसमें नेताजी सुभाष, अजय कुमार तिवारी, एन के खवास, जितेंद्र कुमार साहू, एस के चौधरी सतीश, कुबेर सिंह, ए के पांडे, एस के चौधरी, मुकेश कुमार, अरुण कुमार, डी के सिंह, सुदेश कुमार महतो, राहुल श्रीवास्तव, आर पी सिंह प्रमुख थे। देखिए पूरी खबर। झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।